देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया है। आ रही है सब, आवाज भी दे रही है हमको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पार्वती कुमारी ब्लॉग पर। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, और मैं भी स्वस्थ हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए आई मेरी मम्मी गेहूं बना रही है। ये देखिए कैसे बनाया जाता है सूप से गेहूं, देखिए कैसे कर रही है। और सारा गेहूं बाहर निकल रहा है, देखिए फ्रेंड ये दूब का घास है, इसको खरगोश के लिए दे रहे हैं, हरा हरा है देखिए। और इधर बकरी भी देख रहा है, इसको भी थोड़ा सा दे देते हैं। लो, अरे लो खाओ, देखिए खा रही है बकरी। सो फ्रेंड्स, मैं अपने घर के बाहर का नजारा आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए अभी हम लोग इधर आए हैं, घूमने जा रहे हैं, नई फ्रेंड लोग मिल गई है वही लोग के साथ। ऐसे तो मैं घर से निकलती हूँ, बस घर का काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। उधर देखिए बच्चे लोग को एंजॉय कर रहा है सब, और इधर मेरा दोस्त भी चल रहा है, आप लोग को उससे भी मिलवाऊंगी मैं अभी, छुटकी, हम उसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत कम फला है, सतालू देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा दोस्त, ये छुटकी, तुम आज इधर आ गई है, आज को घास भी नहीं खिलाए हैं, देखिए कितना प्यारी सी है, गुस्सा रही है। कहाँ जाएगी? आ जा आ जा। देखिए फ्रेंड आ रही है, सबकी आवाज भी दे रही है हमको। क्या हुआ, आज घास भी नहीं लाए तेरे लिए? आज घास भी नहीं लाए हैं, ये देखिए क्या हो गया छुटकी को। सो फ्रेंड्स, देखिए गर्मी बहुत ही काफी बढ़ गया आजकल 5-6 दिन से, और घर में तो ऐसे ही बहुत गर्मी लगता है। शाम का टाइम है, लोग बाहर निकलते हैं बैठने के लिए, और बच्चे लोग खेलते भी हैं। और देखिए इधर 2-3 बॉडीगार्ड लोग भी आ गया है, और हम लोग घर के सामने में ही फ्रेंड्स ये बन रहा है, क्या बोल रहा है, बन रहा है सब्जी मंडी ना, सब्जी मंडी बन रहा है, आप लोग दिखाते हैं उसका भी झलक। ये देखिए काम हो रहा है ऊपर में, ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी मंडी का झलक अभी बन ही रहा है। हम लोग आए थे, उसमें कोड़ाया था, लेकिन अब तो बहुत जल्दी तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छोटा तालाब है, यहीं से पानी जा रहा है सब्जी मंडी का, जो वो बन रहा है ना घर, ये देखिए। और इधर का नजारा देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए। सुबह में मॉर्निंग वॉक या फिर शाम का कीजिए इवनिंग वॉक, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधा भी है, हरियाली है, ज्यादा घर नहीं है, प्रदूषण नहीं है, गाड़ी घोड़ा बहुत ही कम मात्रा में चलता है, पूरा एकदम गांव जैसा लगता है। इधर आने के बाद हमको लगता है कि हम अपना गांव आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा एकदम हरा भरा है, पीछे का भी एकदम देखिए लुक दिखा रहे हैं कितना अच्छा है। ये है मधुबन, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, यहाँ का सरूल है आज। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा गोबर का कोपले बनाया गया है, गोइठा हम लोग बोलते हैं, जलावन के लिए बहुत ही अच्छा है। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ का नाली देखने के बाद तो याद आ रहा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो नालियां होती थी वो इसी तरह पत्थर से ढका हुआ रहता था। देखिए कितना ही अच्छा है, ऐसा नाली बनाने से अच्छा होता है क्योंकि नाली में कचरा उचड़ा नहीं जाता है, तो जाम नहीं होता है और स्वच्छ रहता है, पूरा पानी का बहाव बहुत ही अच्छा होता है। देखिए पूरा यहाँ का नाली जो है ना पूरा ढका हुआ है, बहुत ही अच्छा है, जो भी बनाया है भविष्य को सोच के ही बनाया है, आने वाला कल में अच्छा होगा। और देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा, चिपरी को पूरा गोइठा सरिया कर रखा है लोग जलाने के लिए, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, यहाँ से तो जूम ही नहीं होता है। इधर का देखिए खेत उत मैदान सब कितना सुंदर है, पूरा हरा भरा,
बहुत ही मस्त। अरे ये पेड़ को क्या हो गया, इसमें तो एक भी पत्ता नहीं है, अजूबा हो गया फ्रेंड्स। देखिए ये देखिए, इसमें एक भी पत्ता नहीं है पेड़ में। इमली का पेड़ भी मिल गया यहाँ पर, कितना अच्छा खट्टा मीठा इमली खाने का मन कर रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, इमली का पेड़। और ये देखिए फ्रेंड, पीपल का एकदम विशाल पेड़, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा है। और आज यहाँ का सरहुल था दोस्तों, देखिए लोग अखरा कितना अच्छा सजाए हैं। ये देखिए अखरा बहुत ही झकास एकदम सजाए हैं। देखिए गांव घर में ऐसे सजाया जाता है, इसलिए रात में इतना बजा बज रहा था। हम लोग को तो पता ही नहीं था, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग का स्टेडियम में लोग नाच रहा है, लेकिन यही बज रहा था दोस्तों। देखिए कितना अच्छा बजाया है लोग। ये है आदिवासियों का त्यौहार, सरहुल महापर्व है आज यहाँ का। और ये देखिए मेन गेट इधर से आने के लिए बनाया है लोग, और बहुत ही मस्त लग रहा है अखरा। देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पर कुछ लिखा है लगता है शायद। सो फ्रेंड देखिए कितना अच्छा अखरा है, हम जा रहे हैं दूसरा तरफ। ये देखिए फ्रेंड, ये है मधुबन, और आज यहाँ का सरहुल त्योहार है। और देखिए कितना अच्छा ये लोग अखरा सजा कर रखा है, ये देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सजाया है। दीदी लगाई हुई थी तो सेल्फी ले ली लोग से, क्योंकि आज यहाँ का सरहुल पर त्योहार है तो घूमने जा रही है। देखिए और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तालाब भी है, लेकिन इतना कचरा है ना इसमें, मतलब क्या बोलेंगे, जंगली घास पूरा भर गया है। पहले पूरा पानी भरा हुआ रहता था, पापा के साथ आते थे तो इधर रास्ता भी नहीं बना हुआ था, पगडंडी टाइप में था, जबकि जैसे वो लोग आ जा रहे हैं इसी में आते थे हम लोग। और यहाँ से सीधे मधुबन निकल जाते थे और क्या बोलेंगे, बरवा टोली के लिए। और इधर से प्रेम नगर निकलता है, ये रास्ता जो दिख रहा है ना, प्रेम नगर ले जाता है। यार देखिए फ्रेंड, यहाँ बत्तख भी चल रहा है। देखिए ये देखिए बत्तख पूरा एकदम पानी में तैर रहा है, बत्तख का सबसे अच्छा जगह है पानी। देखिए लाल पर साड़ी पहन के सब लोग घूम रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ का सरहुल है और सब लोग घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, डांस वंस कर रहे हैं। और बहुत लोग ये है उधर, और बहुत लोग रिटर्न आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, बच्चा लोग सब सरहुल देके आ रहा है, सब बच्चा पार्टी लोग है। कहाँ गया था बाबू नाचने? हाँ साड़ी कहीं बनाया है, सब लोग घूम के आ रहा है फ्रेंड। देखिए वो लोग गया था घूमने के लिए, सब गई हुई थी, और अभी अखड़ा आ रही है सब।
सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ी सी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दे। सो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जोहार झारखंड।